हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण की बातें हमें बताई जाती है। बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा को लेकर नई नई तरकीबें और हथकंडे अपनाए जाते हैं, मगर सूरत के गोपीपुरा में स्थित रायचंद दीपचंद गर्ल्स स्कूल में स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। स्कूल प्रशासन की लापरवाही देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि 35 से 40 जितनी लड़कियों का कहीं शिक्षा से वंचित न रह जाए। अगर सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया गया तो बेशक 40 जितनी लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाएंगी। आपको बता दें कि सूरत के गोपीपुरा में स्थित रायचंद दीपचंद गर्ल्स स्कूल, जहां पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक में सभी वर्ग मौजूद है और कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए वालियों को स्कूल प्रशासन द्वारा भरोसा दिलाया गया था कि आपके बच्चों के लिए कक्षा 9 और 10 का निर्माण किया जाएगा, यही स्कूल में कक्षा 10 और 9 का निर्माण किया जाएगा। लेकिन अब तक जब तक कि आज से शहर की तमाम स्कूलें खुल चुकी है और रायचंद दीपचंद स्कूल में अभी तक कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए कोई निर्माण नहीं किया गया है, जिसके मद्देनजर 40 से ज्यादा विद्यार्थिनियों के वालियों ने सूरत नवसर्जन ट्रस्ट के साथ मिलकर स्कूल प्रशासन को रजूआत की और अपनी बातें बताई। और नवसर्जन ट्रस्ट की ओर से तमाम वालियों को ऐसा भरोसा दिलाया गया है कि आपकी बच्चियों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा और हम आपकी बच्चियों के भविष्य के लिए डीईओ तथा शिक्षा मंत्री तक अपील करेंगे। मेरा नाम शेगल, कैमरामैन सादिक पठान के साथ, संवाददाता परवीन पठान, प्राइम 7 न्यूज़ सूरत। पंकज भाई कापड़िया, क्या तकलीफ है आप लोगों को? हम लोग को स्कूल वालों ने भरोसा दिया था कि हम लोग 9th खोलेंगे यहाँ पर ही, हम लोग यहाँ 8th तक पढ़ते आए, पर अब स्कूल में हम लोग आए एडमिशन लेने के लिए तो स्कूल वाले बोलते कि एल सी लेकर चले जाओ, अब यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। हमें इतना भरोसा दिया था कि हम 9th खोलेंगे, पर अब ना बोलते कि नहीं नहीं खोलेंगे, एल सी ले जाओ। तब हमारा हम लोग क्या करें, हमें कौन से स्कूल में एडमिशन मिलेगा? स्कूल स्टार्ट होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे और मैडम ने हमें बुलाया और मीटिंग में बोला कि अब यहाँ पर 9th नहीं खुलने वाली, अब आप एल सी लेकर चले जाओ और कहीं भी एडमिशन ले लो। और पहले हमें इतना भरोसा दिया कि खुलेंगे खुलेंगे 100% तक बोला और अभी ना बोल रहे टाइम पर, अब हमें कहाँ पर हमारे भविष्य का सवाल है, अब हम क्या करेंगे? ये बात आपको किसने बोली थी? हमारी क्लास टीचर ने और हमारे मैडम ने। क्या नाम है? हमारी कृपाबेन देसाई और मैडम का नाम चेतनाबेन देसाई। क्या कहना चाहने वाला? अब हमें सिर्फ एडमिशन चाहिए, हमें सिर्फ एडमिशन चाहिए, या कैम जरीवाला में करा दो, यहाँ पर ही 9th खुलवा दो। हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आए 9th स्टैंडर्ड के लिए, 8वीं तक बच्चे हमारे यहीं पे पढ़े हैं करके, लेकिन अभी 9th के लिए वो मना करेगी, यहाँ 9th स्टार्ट नहीं हुआ तो अभी हम लोग है ना तो एडमिशन कराना चाहते तो अभी कौन से स्कूल में जाए? अभी आज स्कूल स्टार्ट हो गई है 11 तारीख को, तो अभी कौन से बोलते हैं कि एलसी लो और आप जाओ कहीं भी एडमिशन कराओ। अब हमारे बच्चों ने यहाँ पे इतने साल तक पढ़ा और एंड में आप बोल रहे हैं कि एलसी लो और जाओ कहीं भी एडमिशन करो, तो अब हमारे बच्चों को एडमिशन कहाँ मिलेगा? हमें उन्होंने इतना भरोसा दिया था कि आपको यही स्कूल में एडमिशन मिलेगा, दूसरी स्कूल में ट्रांसफ़र कर देगा, अगर यहाँ पर नहीं मिलेगा एलसी तो दूसरी स्कूल में ट्रांसफ़र कर देगा, तो वहाँ पर भी ना बोलते कि नहीं वो स्कूल में भी बच्चों के लिए जगह नहीं है। अब हम क्या करें, बच्चों के लिए कहाँ जाए? ये साल से पहले है ना तो अगले साल तक बच्चे यहाँ के बच्चे केजरीवाल स्कूल में गए करके, अगले साल 8वीं के बच्चे पढ़ के 9वीं तक वहाँ पे पढ़ते थे 9वीं क्लास से, अभी यहाँ पे है ना नहीं बोल रहे कि नहीं हो रहा, तो अभी हमें वहाँ पे केजरीवाला में एडमिशन दिला देना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो हमें एडमिशन दे करके। फ्राइडे को भी मैं आई थी, फ्राइडे को भी बोला हो जाएगा आप टेंशन मत लो, बुक्स ले लो ट्यूशन भेज दो बच्ची को, तो बुक्स ले लेंगे ट्यूशन भेजेंगे, ट्यूशन वाले पूछते हैं कि आपकी बच्ची कौन सी स्कूल में, तो ट्यूशन वालों को क्या जवाब दे, बोले हम कैसे पढ़ाई कराएंगे, स्कूल का नाम बताओ वो स्कूल से हम पढ़ाई स्टार्ट करें। अगले साल तक तो बच्चे ट्रांसफर हुए केजरीवाला में, अगले साल तक बच्चे ट्रांसफर हुए तो अभी ये साल क्यों नहीं कर रहे करके? नहीं कर रहे आप, क्यों नहीं डाल रहे? ये 18 लड़कियों के भविष्य का सवाल है। फॉर्म पे हमारे से सही भी ली थी कि आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा और अब ना बोलते कि नहीं वो फॉर्म में। टोटली 35 लड़कियाँ हैं। यूसुफ पठान, सूरत नवसर्जन ट्रस्ट प्रमुख। यहाँ पर रायचंद दीपचंद स्कूल है और पंकज जा करके स्कूल है कापड़िया करके, इसमें 1 से 7 धुरनों तक बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, 1 से 8 धुरनों तक। अब 9वें धुरन के लिए यहाँ के प्रिंसिपल और सारा संचालक ने ऐसा कमिटमेंट दिया था कि आपकी बच्चों को यहीं हम लोगों ने नवी ब्रांच की एप्लीकेशन दी है वो पास हो जाएगी,
और ये पास नहीं हुई तो भी हमारी जरीवाला करके एक दूसरी ब्रांच है उसके अंदर आपके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, दूसरी कोई स्कूल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब स्कूल स्टार्ट हुई तो उस वक्त के ऊपर ये लोगों का कुछ अपने क्लास जो थी नवमी की वो कुछ पास हुई नहीं, तो अब ये लोगों को कुछ बाहेंदारी पत्रक लिखा है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, जब इसके पहले इन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि हम लोग आपके बच्चे का एडमिशन हमारे दूसरी ब्रांच के अंदर भी कर देंगे, वो सब टोटल जिम्मेदारी से हाथ कंकेर लिए। और ये वाड़ी लोग को अब ऐसा है कि हम कहाँ पर जाएंगे, किस तरह जाएंगे, और हमारे जो बच्चे हैं वो 35-40 बच्चे वो कहाँ से एडमिशन लेंगे। तो हमारे पास में ये लोग आए और हमने मैडम से बात की है, शाला संचालकों से बात की है, इन्होंने बोला है कि आज हम लोग डी ओ ऑफिस के अंदर हमारे जो शाला संचालक जाने वाले हैं और वो लोग कहेंगे कि मतलब कि डी ओ ऑफिस के अंदर से संतोषपूर्वक जवाब आएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हम लोग ने बोला है कि हम आपके विरुद्ध के अंदर और आपके अंदर जो जो जवाबदार है और जिसके अंदर वालियों को आप लोग ने कहा है कि हम लोग की जिम्मेदारी हम एडमिशन कर देंगे, तो ऊपर तक भूपेंद्र चुड़ासमा और डीओ को सबको आपकी कंप्लेंट करेंगे और डीओ का हम लोगों मतलब फर्ज भी करेंगे वालियों के प्रति के अंदर के सब। ये 35-40 बच्चों के फ्यूचर की बात है तो इसमें आप लोग को कहीं पर भी एडमिशन करके इन लोग के फ्यूचर को ध्यान रखें और बाड़क जो है वो एक्चुअली के अंदर मतलब देश का भविष्य है, इन लोग का फ्यूचर खराब न हो ऐसी हमारी इसके बारे में आगे लड़त चालू रहे। अबे भाई एमां एवुं छे के अमे मोटा एमएलए जे कही ने आपणे आपणी आपणा एरियाना एमएलए ए लोकोने भी अमे पत्र लख्यो छे। ए लोको आजे एमएलए नुं नाम क्या एमएलए नुं तमने एक तो दर्शनाबेन जरदोश अमारी पासे छे लेटर, અરવિંદભાઈ રાણા, પછી પહેલાં તો ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા આપણે શિક્ષણ મંત્રી જે છે એને બરાબર છે, પછી કિશોરભાઈ કાનાણી બરાબર ગુજરાત રાજ્ય મંત્રી, પછી દર્શનાબેન જરદોશ જે આપણા અહીંયાના સાંસદ સભ્ય છે, અને અરવિંદભાઈ રાણા એ પણ આપણા અહીંયા સુરતના એ છે આપણા વાડીફળિયા સાઈડના છે એમએલએ છે બરાબર છે, એ બધાને અમે એક લેટર લખ્યો છે, એ લોકો હવે આજે જઈને વાત કરશે અને એ પ્રમાણે અમને ખબર પડશે અમારી અમે 2 મહિના પહેલાં અમે તો ફાઇલ અમે પુટઅપ કરી દીધેલી હતી, જે પહેલાં આપણે કહીએ ને કે આટલાથી આટલા સમયની અંદર તમારે ફાઇલ પુટઅપ કરી દેવાની ઓનલાઈન કરવાની હતી એ અમે કરી દીધેલી હતી, બિફોર ટાઈમ અમે કરી દીધેલી બરાબર છે। હવે એમાંથી ક્વેરી અમારી 30મી મેને પછી અમને ખબર પડી કે તમારે હવે અપીલ કરવી પડશે, કેમ કે તમારી ફાઇલ અટકી ગઈ છે અને તમારે ક્વેરી નીકળી છે એટલે તમારે હવે અપીલમાં જવું પડશે એમ અમને છેક મેના એન્ડ શું કહે આપણે કે ને જૂનના ફર્સ્ટ વીકમાં જ અમને ખબર પડી। જો મેડમ હવે તમને 9th ની અહીંયા પરમિશન નહીં મળશે હા તો આ બાળકો માટે તમે શું કરી શકો, તમે કાં એમને એડમિશન અપાવશો? જો હવે અમારી એક શાખા છે અહીંયા શાહપુર એરિયામાં શાખા છે, હવે દર વર્ષે શું થતું હતું 8મા ધોરણમાં જે છોકરું આવે એટલે અમે સીધા અમે ત્યાં ડાયરેક્ટ એડમિશન માટે અમે એલસી આપી દેતા હતા કે તમે ડાયરેક્ટ ત્યાં ચાલ્યા જાઓ, એક પણ પૈસા સિંગલ પૈસા ડોનેશન વગર ત્યાં એડમિશન થઈ જતું હતું બરાબર છે, પણ આ વખતે અમે લોકોએ પોતે પુટઅપ કર્યું છે, પોતે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરીને કર્યું છે એટલે અમે થોડાક એની રાહ જોતા આટલો સમય થઈ ગયો છે, હવે અમારી ફાઇલ છે તે ક્વેરીમાં ફસાઈ ગઈ છે એટલે અમારે હવે અપીલમાં જ જવાનું છે, એટલે અમારે અમે એ બેન સાથે બી વાત કરી, ત્યાંના આચાર્ય જે છે એને વાત કરી, એમણે બી કીધું કે હું આજે ડીઈઓની સાથે આજે જે જવાના છે ડીઈઓને મળવા અને કંઈક એમનું બી કંઈક એમની તો ઓલરેડી ગ્રાન્ટેડ છે જ બરાબર છે, એટલે એ પ્રમાણે અમારે અહીંયાથી એમને એડમિશન મળી જાય એ રીતનું અમે આજે પહેલાં બેન વાત કરવાના રજૂઆત કરવાના છે બરાબર, એ ઉપપ્રમુખ છે પાછા સેકન્ડરી સેક્શનમાં ઉપપ્રમુખ છે એટલે એ ભાઈ એ બેન જે છે તે જાતે ડીઓની ઓફિસમાં જવાના છે અને જાણ કરવાના છે અને રજૂઆત કરવાના છે કે આવું આવું થયું છે હજુ પરમિશન મળી નથી આ છોકરીઓનું ભવિષ્ય શું, એટલા માટે વાલીઓને તો હવે એટલું જ કહેવાનું કે અમારો પ્રયત્ન હજુ બી ચાલુ છે, હજુ કંઈ ફાઇલ બંધ નથી થઈ ગઈ, હજુ તો અમે અપીલમાં જવાના છે પ્લીઝ હા, અને એ લેટર જ્યાંથી ત્યાંથી આવશે પછી અમારાથી અપીલમાં જવાય, એ લેટર હજુ આવે એની રાહ જોઈએ છીએ અમે લોકો બરાબર છે, એને પછી અમે ક્વેરીને જે કંઈ બી હશે તે લઈને અમારે અપીલ કરવાનું છે તે લઈને અમે ગાંધીનગર જશું, વાલીઓને વિશ્વાસમાં લેવું પડશે એટલે જો તમારી 9th ક્લાસની પરમિશન નહીં મળશે કે તમારી અપીલમાં તમારે જવું પડશે તો એમાં 6 મહિના પણ લાગી શકે છે, તો એમાં તમે એ લોકોને શું કહેવા માંગો છો, એમને તમે શું સપોર્ટ કરશો વાલીઓને, જો તમારી 9th ક્લાસની પરમિશન નહીં મળી તો તમે વાલીઓને શું સપોર્ટ કરશો? હવે અત્યારે મેં તમને કીધું કે અમારી બીજી શાખા છે એમાં ટ્રાન્સફર કરાવી આપીએ હા બરાબર। કેમેરામેન સાદિક પઠાણ કે સાથ સંવાદદાતા પરવીન પઠાણ, ક્રાઇમ 7 ન્યૂઝ સુરત।